कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ कांवड़ियों के साथ साजिश की खबर भी सामने आने लगी। शनिवार देर शाम मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में कांवड़ को खंडित किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने घंटा घर के पास रोड को जाम कर दिया। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। हंगामे की खबर मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ खुद SP मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया गया, लेकिन कांवड़ियों का आरोप था कि सबसे पहले आरोपियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। काफ़ी देर हंगामा होता रहा, पुलिस ने कांवड़ियों को शांत करवाया। कांवड़ियों का आरोप है कि वो हरिद्वार से जल लेकर अपने घर जा रहे थे और इस दौरान वो खतौली के घंटा घर पर रुके और देर शाम आरती करने से पहले एक मंदिर में अपनी कांवड़ को रखकर गंग नगर में नहाने के लिए चले गए और जब वो वापस लौट कर आए तो कांवड़ के पास एक काली पॉलीथीन में किसी ने मांस रख दिया था। कांवड़ियों का आरोप है कि जानबूझकर उनकी कांवड़ को खंडित किया गया। हमें बैठे थे सुबह से ध्यान दे रहे थे, 5 मिनट के लिए शाम को आरती करने थे तो भाई यहाँ पे लेटा था। हम गए स्नान करने, इतने वहां से भाई को लग गई आंख, 2 सेकंड का कम हुआ ज्यादा नहीं। उस बीच में कोई व्यक्ति ये वीडियो यहाँ कट्टा मास्क का भर के, जिसके अंदर कोई पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इसमें मांस नहीं है। तो ये बताओ जो इसके ऊपर बछड़े का या भैंस का जिसका भी खुर मिला वो कहाँ से आया? हम कह रहे चल मांस नहीं है, वो खुर कहाँ से आया? कट्टा इतनी हल्का नहीं है कि कोई कुत्ता खींच के लिया हुआ है, उस पर मार्किंग ना आवे। ठीक है, अगर कुत्ता लेगा आता या कुछ भी लाता जानवर तो उसकी मार्किंग आती खींचे हुए की, कोई मार्किंग नहीं है। और उसके बाद भी पुलिस भाई ने यहाँ पे मतलब कट्टा भी उठा दिया, कट्टा खाली करके हमें पीछे मिला, जिसके बाद हमें कुछ नहीं मिला मांस का, एक हड्डी का अंश मिला छोटा सा। हमारे साथ जो हुआ वो किसी और बोले के साथ ना हो। जल खतौली की सेवा, खतौली के 7-8 केस है जहाँ पर जल खंडित होने की आई है। आपको पता होगा 2-4 दिन पहले यहाँ चोपले में खंडित हुआ, भैंसी में भी खंडित हुआ। हम ये नहीं चाहते किसी और भोले को हमारी तरह कष्ट लेने पड़े। 2 दिन से रुक रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ रुक रहे थे आप? किसी लोग घंटा घर पे। अच्छा, क्या हुआ? घंटा घर पे आज आरती का टाइम हो रहा था जी। हाँ, मैं बना रहे हैं 10 मिनट में बाद मास पड़ा है कावड़ का। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रसाद प्रसाद जरा जाओ, देखा क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं है। देखिए, कुछ कांवड़ी हरिद्वार से अपना जल लेके और यहाँ तक आए थे खतौली में। आज ये अपना रोड के किनारे अपनी ट्रॉली और अपना जल रख के ये अलकनंदा पे गए थे नहर पे। जब इन्होंने वापस आके देखा तो यहाँ इनकी ट्रॉली के पास इनको एक काली संदिग्ध पॉलीथीन दिखी, जिस पे इन लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो संभवतः मीट हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंच के उस पॉलीथीन को हटवा दिया गया था, बाद में उसको चेक भी करवाया गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कोई मांस था, लेकिन कांवड़ियों का ये मानना है कि इससे इनकी जो कांवड़ है वो खंडित हो गई। इन लोगों ने यहाँ पे मार्ग भी बाधित किया, जो मेन रोड है खतौली की, इसमें इन्होंने कुछ देर के लिए जाम भी लगाया। प्रशासन द्वारा यहाँ पे पहुँच के इनको समझाया बुझाया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारी कांवड़ खंडित हुई उसको ठीक करवाया जाए और इसके संबंध में जो है वो कार्रवाई करवाया जाए। इसी आश्वासन पे इन लोगों ने यहाँ से जाम खोल दिया है और अब दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। इसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।